हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज्योति है और मैं अपने चैनल पर हर हफ्ते दो नेल पॉलिश और नेल आर्ट रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको नेल आर्ट पसंद है और घर बैठे आप अलग अलग नेल आर्ट से रिलेटेड डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो चलिए, आज के नेल आर्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ नेल आर्ट बनाने का, जिससे आप बहुत डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस घर बैठे बड़े ही आराम से खुद ही बना सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। स्टैम्पिंग नेल आर्ट डिज़ाइन एक बहुत ही क्विक एंड ईजी तरीका है जिससे आप बहुत ही डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस आराम से बना सकते हो घर पर। सो लेट मी एक्सप्लेन कि क्विकली हम स्टैम्पिंग नेल आर्ट डिज़ाइंस कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक तो स्टैम्पिंग नेल पॉलिशेस की ज़रूरत होती है, उसके अलावा एक ये स्टैम्पर चाहिए होता है। अलग अलग तरह के स्टैम्पर्स मार्केट में आते हैं। मेरे पास ये बॉन प्रिटी का एक क्लियर स्टैम्पर है, जेली स्टैम्पर। और इसके अलावा हमें स्टैम्पिंग प्लेट्स चाहिए होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं। आज का डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ये बॉन प्रिटी की स्टैम्पिंग प्लेट यूज़ कर रही हूँ। और उसके अलावा स्क्रैपिंग के लिए हमें कोई भी एक कार्ड, हार्ड सा कार्ड चाहिए। मैं एक ओल्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने नेल्स को डार्क पर्पल कलर में पेंट कर लिया है, और फिर इसके हर नेल के आसपास मैं एक लेटेक्स की कोटिंग लगा रही हूँ, जिससे कि जब मैं स्टैम्पिंग करूँगी और मेरा जो नेल आर्ट डिज़ाइन है स्टैम्पिंग वाला, जब वो नेल्स के आसपास लगेगा तो मुझे उसको क्लीन करने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत जल्दी से मैं क्लीन कर पाऊँगी, आप आगे चल के देखोगे। एंड डोंट वरी, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, लेटेक्स नेल पॉलिश या फिर स्टैम्पिंग प्लेट्स और स्टैम्पर, इन सब की मैं लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब हमारा बेस रेडी है और अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैम्पिंग करना। तो उसके लिए मैंने स्टैम्पिंग प्लेट पे अपना डिज़ाइन चूज़ किया और उसके ऊपर मैंने अपनी स्टैम्पिंग नेल पॉलिश लगा दी, देखो इस तरह से। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रैपिंग कार्ड, और उसको मैंने एक टाइटली स्क्रैप किया एक बारी, ताकि एक्सेस ऑफ नेल पॉलिश जो है, वो जो भी एक्स्ट्रा नेल पॉलिश है वो रिमूव हो जाए। अब मैं अपना क्लियर जेली स्टैम्पर ले रही हूँ, उसको मैंने टाइटली प्रेस डाउन किया है अपने डिज़ाइन पे, और देखो ये कितनी आसानी से वो पूरा डिज़ाइन जो है वो स्टैम्पर पे आ गया है। अब देखो मैं उसको अपने जहाँ भी मुझे नेल पर उसे प्लेस करना है उस तरह से मैंने उसे रोटेट कर लिया है, और फिर मैं उसको नेल पर ले जाकर स्लाइटली प्रेस कर दूंगी, देखो, और वो पूरा डिज़ाइन नेल पर आ गया है। और इसी तरह से जो बचा हुआ डिज़ाइन था स्टैम्पर पे, वो मैंने छोटी उंगली के नेल पर प्रेस कर दिया है, क्योंकि उसका नेल छोटा है तो मैंने सोचा कि उसमें थोड़ा भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बचा हुआ जो था वो उस पर प्रेस कर दिया है। अब मैं एक्सेस ऑफ नेल पॉलिश जो है उसको रिमूव करने के लिए स्कॉच टेप या कोई भी टेप का एक टुकड़ा यूज़ कर रही हूँ, और उसको मैं जब जेली पे प्रेस करूँगी स्टैम्पर की तो वो अपने आप पुल कर लेती है उसे, और जेली स्टैम्पर पूरा क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद कॉटन पे मैं थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर लेके स्टैम्पर को क्लीन कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए वो रेडी हो जाए। और अगेन फिर से मैंने अपनी पॉलिश लगाई स्टैम्पर पे, कार्ड से स्क्रैप किया, एक्सेस नेल पॉलिश जो एक्स्ट्रा नेल पॉलिश है उसको रिमूव करके स्टैम्पर को प्रेस किया, और उसके ऊपर अपना डिज़ाइन लेकर मैंने नेल पर जेंटली प्रेस कर दिया जिस तरह से भी मुझे उसको डिज़ाइन को वहाँ पर स्टैम्प करना है, और फिर उसको मैंने स्टैम्प कर दिया। इस तरह से मैंने अपनी चारों फिंगर्स पे और नेल पर, देखो, ये स्टैम्पिंग डिज़ाइन बना लिया। आप सारे नेल्स पर पूरा पूरा डिज़ाइन भी बना सकते हो, और जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक नेल पे थोड़ा, एक नेल पे उससे थोड़ा ज़्यादा, और बाकी तीन नेल्स पे पूरा स्टैम्पिंग नेल डिज़ाइन बनाया, इस तरह से भी कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी कि आपको कैसे पसंद है स्टैम्पिंग नेल करना। देखो, हमने नेल्स के आसपास अपनी लेटेक्स पॉलिश लगाई थी, तो हमारा कितना टाइम सेव हो गया। वो सारी पॉलिश जो एक्स्ट्रा पॉलिश स्टैम्पर से थी वो लेटेक्स पे आके लगी, और अब हम लेटेक्स को रिमूव कर देंगे तो हमें कुछ भी ज़्यादा क्लीन अप करने की ज़रूरत नहीं बचेगी। हमारे क्यूटिकल्स वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन निकलेंगे। तो जब भी मैं कोई स्टैम्पिंग नेल आर्ट बना रही होती हूँ या कोई भी वाटर मार्बल नेल आर्ट डिज़ाइन बना रही होती हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं लेटेक्स ज़रूर लगा लूँ, ताकि मेरा टाइम बच जाए बाद में क्लीनिंग का।
अब जो थोड़ी बहुत नेल पॉलिश अगर इधर उधर लगी रह गई है तो उसे हम वही अपना नेल पॉलिश रिमूवर में ब्रश डिप करके उसे स्लाइटली क्लीन कर लेंगे, ताकि हमारा एकदम मैनिक्योर जो है वो एकदम प्रोफेशनल नीट एंड क्लीन लगे। आई नो कि इट टेक्स अ लिटिल मोर एफर्ट और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा आपको ये थोड़ा क्लीनिंग करने में, बट जब आप फाइनली अपने मैनिक्योर को देखोगे तो यू विल रियलाइज़ कि ये क्लीनिंग करने की वजह से ही आपका जो मैनिक्योर है एकदम सैलून क्वालिटी मैनिक्योर लगेगा। आपके नेल्स को देखकर कोई ये कह नहीं सकेगा कि आपने ये नेल आर्ट जो है वो खुद से घर पे किया है। और फाइनली मैं अपने हर नेल पर एक बहुत ही अच्छा लेयर टॉप कोट का लगाती हूँ, ताकि मेरे नेल आर्ट को एक बहुत ही अच्छा सा ग्लॉसी सा लुक मिले और मेरी नेल आर्ट ज़्यादा दिन तक चले, जल्दी से ख़राब ना हो। तो देखिए कितना सिंपल था ये स्टैम्पिंग नेल आर्ट बनाना। मैंने जब पहली बार स्टैम्पिंग नेल आर्ट डिज़ाइंस के वीडियोज़ देखे थे तो मुझे लगता था कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इट मेक्स नेल आर्ट मेकिंग रियली इजी एंड फन। सो आई एम श्योर आप इसको ट्राई करोगे। अगर आपको स्टैम्पिंग नेल आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आपको ये नेल आर्ट डिज़ाइन या टेक्निक कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। आई होप आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखा होगा नेल आर्ट से रिलेटेड। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।